प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार लोटस फुलर नाम रखाला नमो 108 सीएसआईआर एनबीआरआई रे वन वीक वन लैब रो शेष दिन कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव केन्द्रमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह जोगदे सीएसआईआर एनबीआरआई द्वारा विकसित नूतन किसम लोटस फुल को उन्मोचन करते फुलर वर्तमान नाम नमो 108 रखाई जहाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ उपहार बोली केन्द्रमंत्री कही पद्म फुलर नाड़ तैयारी जैकेट एवं फुलर प्रस्तुत एक परफ्यूम उन्मोचन करते वैज्ञानिक प्रतिभाओं को शायद पहले अवसर नहीं मिलता था अपने आप को जाहिर करने प्रकट करने का वो वातावरण अब मोदी जी के आने के बाद हमें मयस्सर हुआ है और उसी का नतीजा है कि उसी से प्रेरित होकर पिछले वर्ष हमारे यहाँ ये विचार आया सीएसआईआर में क्योंकि हमारे 37 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग संस्थान हैं और हर संस्थान में अलग अलग एक विशेषता रहती है तो क्यों ना वन वीक वन लैब इस तरह का एक अभियान शुरू करके प्रत्येक संस्थान में क्या विशेष काम हो रहा है उसको लोगों के आगे शो केस किया जाए ताकि उसका लाभ सब तक पहुंचे। यह अवसर रे लोटस मिशन कार्यक्रम रो शुभारंभ करिछंती पद्म 10 मास चासी को आय देव यह अवसर रे दुई चासी को 108 पद्म फुलर चारा प्रदान करा जायथिला एहा सहित से कहिथिले भारत सरकार वर्तमान मिशन मोड रे महु मिशन जातीय बाउंश मिशन जातीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्राकृतिक कृषि स्थायी कृषि पाई जातीय मिशन गोकुल मिशन ब्लू विप्लव मिशन शक्ति एवं आंतर विभागीय साइबर फिजिकल सिस्टम इत्यादि चलाइछंती जेनेटिक माध्यम से ये कमल का फूल उगाया गया है लोटस जिसका नाम रखा गया नमो इसकी 108 पत्तियां हैं और मुझे गर्व महसूस हो रहा है अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि देश को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ये न्यू वैरायटी लोटस फ्लावर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कमल हमारे लिए एक आस्था का भी चिन्ह है हमारे लिए हमारी विरासत का भी चिन्ह है हमारे लिए हमारे राष्ट्रवाद और भारतीयता का भी चिन्ह है। आज विश्व प्रत्येक क्षेत्र में विकल्प प्रतिकार खोजुछी एवं एभली परिस्थिति रे उद्भिद भित्तिक औषध एवं अन्यान्य उत्पाद एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि पारिबो बोली से कहिथिले सीएसआईआर एनबीआरआई एक ऐतिहासिक स्थान रे अवस्थित होईछि बोली निर्देशक एके सासानी कहिछन्ति एही स्थान रे 200 रु अधिक ब्रिटिश सैन्य मृत्युवरण करिथिले सेहिपरि शेष दिनर उद्यापनी समारोह रे उत्तर प्रदेश रा उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जोग दैथिले यूपी सरकार का प्रशासनिक परामर्शदाता तथा केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद महानिर्देशक प्रोफेसर अवनीश कुमार आश्वस्ति उपस्थित थे रविनारायण आचार्य एक विशेष अतिथि भाव में उपस्थित थे विभिन्न प्रतियोगित जीति पाने पुरस्कृत करदी आम लोक मान चाहते से गैप जहाँ अच्छी जदि सोसाइटी आम कि उपयोग हो पार ताले आमको उपकृत मन करूँ आग को जदि ओडिशा रे किछि करि हबा आमे फ्लोरिकल्चर मिशन रे करछु जदि आमे किछि चासी का मुहरे हस फुटे पालिलु ताले आमे निजको उपकृत मन करि परिबो। अवनीश कुमार आश्वस्ति कहिछन्ति जे योग आयुर्वेद एवं अन्यान्य रूप रे आज आम संस्कृति ग्रहण करुछि जदि आमे मध्य आमर संस्कृति को विचार करू एवं एथिरे लुचि रहिथिबा ज्ञान विज्ञान को अनुसरण करू तेबे आमे अनेक समस्यार समाधान पाई परिबा। आज वन वीक वन लैब कैंप जो कैंपेन है इस पे मिलेट्स कंपटीशन है उस पे आज की मेरी रेसिपी है रागी लड्डू जिसको बहुत ही इजी बनाने के लिए है और ये बहुत ही लंबे समय तक हम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है तो आज की मेरी रेसिपी ये रागी लड्डू पे ही बनाई है। सो बेसिकली मैंने मिलेट फरा बनाया है जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है यूपी एंड बिहार में ट्रेडिशनली इसको बनाया जाता है और इसको चावल से बनाया जाता है चावल के आटे से बनाया जाता है लेकिन मैंने चावल के आटे को रिप्लेस किया है और उसमें रागी ज्वार और बाजरा को यूज़ किया है और उसमें स्टफिंग करी है चना दाल की। ये अवसर रे मिलेट पारंपरिक खाद्य उपरे एक कर्मशाला मध्य आयोजित होइथिला जेउथिरे राशि हलवा राशि लड्डू बाजरा लड्डू रागी मालपुआ जौ बाजरा पिठा परी अनेक खाद्य प्रदर्शनी होइथिला जहाँकि समस्तंकर
आकर्षणर केन्द्र होइथिला। लखनऊ कैमरामैन आदित्य गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।